शुरुआत में मेरी ज़िंदगी बनारस में रही, मैं पैदा हुआ बनारस में ही और वहाँ पर ही रहकर मैंने शिक्षा शुरुआत किया। और मैं शुरू के स्टार्ट के समय में एक तेज विद्यार्थी था, लेकिन ये था कि आर्थिक हालत ऐसे नहीं थी और मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, तो मेरे लिए वो सपना हमेशा से शुरुआत के दिनों में कहा जाए तो ऑटो चलाना था। फिर क्लास सिक्स में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे समाज के डिफरेंट वर्गों का पता चला विचार कि आप किसी भी तरीके से तेज हो लेकिन आपके पिता की बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। क्लास सिक्स में मैंने जाकर किसी से पूछा था कि क्या करना चाहिए बैकग्राउंड बदलने के लिए, तब उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि या तो तुम IAS बन जाओ या बिजनेसमैन बनो। बिजनेस करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पैसे ही नहीं थे, तो मैंने सोचा IAS बनना ईजी है। देन आई डिसाइडेड कि मैं IAS की तैयारी करना शुरू करूँगा। उसी साल से मैंने हर समय अपने लिए पैसा बचाए, साल भर पैसा बचाने के बाद गर्मी की छुट्टी में मैं खूब किताबें खरीदता था उन पैसे से और पढ़ता था। ये जर्नी बनारस से स्टार्ट हुई। मैं दिल्ली में फिर संकल्प में मेरे एक दोस्त ने भेजा, संकल्प एक संस्था है जो फ्री में विद्यार्थियों को ओरिएंट करता है। मैं 5 दिन के लिए यहाँ आया था और इस संस्था ने मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया कि कैसे करना चाहिए। फिर मैं दिल्ली के संघर्ष में जूझने लगा जो कि शुरुआत में मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब आप किसी भी Tier 2 या Tier 3 शहर से दिल्ली आए तो आपको बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लोगों का रहने सहने का तरीका, कपड़े, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट इन सब चीज़ों से अलग रहते हुए मैंने यहाँ पर अपने संघर्ष की शुरुआत किया। मैंने अपने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को पास किया, जिसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी फैमिली का था, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया और मैंने भी उनके जो लगाव था उसको ये मानते हुए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सारा फोकस उधर ही रहे। दो ये जर्नी काफ़ी कठिन रही लेकिन यादगार रही। आज भी इस जर्नी के हर एक पल को याद करके मैं उस सफलता के बारे में सोचता हूँ और लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ये मेरी जर्नी का प्रथम पार्ट था, जो कि ये मेरा प्रथम प्रयास था, तो मैंने हर चीज़ को नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ किया था। मेरा कोई भी इसमें हिस्ट्री और फिलॉसफी मेरा मैंने सब्जेक्ट लिया था, मैं मैथमेटिक्स का टॉपर था। इतिहास सब्जेक्ट मैंने इसलिए वैकल्पिक विषय चुना था, किसी ने मुझे फ्री में बुक दे दिया था, तो सब्जेक्ट के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं था। मेरा लगाव केवल केवल अपने उद्देश्य के प्रति था। इतिहास की किताबें मुफ्त मिल गई थी तो इतिहास ले लिया, किसी ने बोला कि दर्शन शास्त्र में गाइड कर दूंगा तो मैंने दर्शन शास्त्र ले लिया। अगर कोई मिलता और मुझे बोलता कि मैं सिविल इंजीनियरिंग की किताबें फ्री में दे दूंगा तो मैं वो भी ले लेता। तो मेरे लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसी विशेष सब्जेक्ट का विशेष ज्ञाता था, लेकिन हाँ मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं लगातार कई दिनों तक, एक बार मैं 30 दिनों तक भी एक रूम में रहकर पढ़ाई करने तक का मैंने अपना प्रयास किया था, जो कि मैं अपने बगल में वॉशरूम था बस वहाँ तक जाता था, बस 30 दिनों तक मैं बेड से निकला ही नहीं था उसके अलावा। तो इस तरह की दिनचर्या से मैंने अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखा था कि मैं कई घंटों, कई दिनों और इवन महीने तक भी एक जगह पर तपस्या करता था एक्चुअली, क्योंकि उसमें परिवार की हालत बहुत ख़राब थी, उनको समझ में नहीं आता था। मैंने प्री परीक्षा के बाद जब बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया तो लोगों को लगता था कि हो गया, फिर मुझे बताया मैं नहीं, रिजल्ट तो आया, इसमें 2-3 परीक्षा होती है, तो किसी को समझ में आता नहीं था। बट मैंने बोला कि रुकिए, बट मैं 2 साल में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा, जो कि इस परीक्षा में फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट निकलने तक 1.5 साल का टाइम चाहता ही है।